इंडियन बैंक जंग टूडी गेम के ओल्ड वाले हाउस के अंदर ये वाली पेंटिंग जिसके पीछे लगा हुआ है रेड कलर का बटन, तो गलती से मैंने बटन दबा दिया और ये सारे मॉन्स्टर कहाँ से आ गए। हाँ तो गाइस यार, अभी मैंने सपने में देखा कि दो मोड़े बड़े मॉन्स्टर यार हमारी सिटी में आकर गॉडज़िला और साइरन हेड फाइट कर रहे हैं। आई थिंक यार मैंने शायद ये सपने में देखा था, लेकिन यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में क्या वो हमारी सिटी में फाइट कर रहे थे। मुझे यार समझ नहीं आ रहा, रुको भी दरअसल के देखता हूँ यार। आई थिंक उधर ही कर रहे थे लड़ाई वो दोनों। तो यहाँ से तो मुझे नहीं दिख रहे हो साइरन हेड और गॉडज़िला लड़ाई कर रहे, तो यहाँ से नहीं दिख रहे। रुको भी मम्मी से पूछता हूँ। अरे अरे मम्मी, क्या आपने गॉडज़िला और साइरन हेड को फाइट करते हुए देखा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ सुबह से, मैंने तो कोई को नहीं देखा, कोई मॉन्स्टर को नहीं देखा मैंने फाइट करते हुए। ठीक है अब तू जा यहाँ से। हाँ तो गाइस यार, मुझे तो लगता है यार वो मैंने सपने में देखा था और सुबह का तो सपना सच होता है ना यार, मुझे लगता है असली में हो चुकी है फाइट। हाँ तो अगर वो दोनों मॉन्स्टर लड़े एक साथ तो यार फिर इससे हमारी सिटी के लोग को भी खतरा होगा यार, वो मर ना जाए। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारी सिटी में सच में मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। रुको भी, इन मैम से फोन करके पूछता हूँ, मेरी मैम से। तो चलो फिर। हेलो हेलो मैम, क्या हमारी सिटी में दो मॉन्स्टर बड़े बड़े मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई मॉन्स्टर ने अटैक नहीं करा, चुपचाप पढ़ने आ जा। हाँ तो गाइस, मेरी मैम ने मुझे स्कूल पढ़ने बुलाया है यार, मैं स्कूल तो नहीं जाऊंगा और मैम ने कहा है कि कोई मॉन्स्टर नहीं आया, मुझे उनकी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। तो चलो अभी अपन अपनी हयाबुसा से बाहर पूछने चलते हैं, बाहर के जो लोग है ना उनसे पूछने चलते हैं यार, इनसे पूछेंगे ना ये बताएंगे। और यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, अगर सच में अटैक कर दिया तो फिर मुझे पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। अभी मुझे यहाँ पे कुछ मैम दिखाई दे रही है तो इनके पास चलते हैं। हेलो हेलो मैम, क्या कर रहे हो? यहाँ पे मॉन्स्टर आए हैं क्या? क्या दो मॉन्स्टर? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं आया है। क्या सच में मॉन्स्टरों ने अटैक नहीं किया है क्या हमारी सिटी में? रुको अभी इन लोगों से पूछता हूँ। अरे अरे मैम, क्या हमारी सिटी में दो मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है क्या? अरे अरे कोई मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया है, चल जाए यहाँ से। तो रुको यार, ये लैम्बोर्गिनी वाले भैया से पूछता हूँ। अरे अरे लैम्बोर्गिनी वाले भैया रुको। ओपो अब क्या हुआ, क्यों रोका है मुझे? अरे क्या आपको पता है क्या हमारी सिटी में ना अटैक कर दिया है मॉन्स्टरों ने दो बड़े बड़े? अबे नहीं नहीं, हमारी सिटी में नहीं आए ये मॉन्स्टर। हाँ तो मुझे लगता है यार इन दोनों ने मॉन्स्टरों ने यार नहीं किया है हमारी सिटी में अटैक। रुको एक सेकंड यार, ये किसका फोन आ रहा है? हाँ तो ये तो साइरन हेड का फोन लगता है, रुको भी उठाता हूँ। हेलो मैं हूँ साइरन हेड और हमने तुम्हारी सिटी पर अटैक कर दिया है। अरे लेकिन क्यों अटैक किया, क्या किया हमने? हम दोनों मिलकर तेरी सिटी के पूरे इंसानों को मार के खा जाएंगे। अरे लेकिन क्यों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हें क्या चाहिए? अबे हमें खाना चाहिए यानी इंसान चाहिए, हम उसको ही खाते हैं। और अब तुम्हारी सिटी के इंसान को कोई नहीं बचा सकता हमसे। अरे मेरी बात तो सुनो, एक सेकंड, फोन ही काट दिया यार इन्होंने तो। हाँ तो अब मैं क्या करूंगा यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी पूरी सिटी के लोगों को वो मार देंगे और यार मुझे भी मार देंगे। क्या हो यार, ऐसा नहीं होने दूंगा यार मैं, हमारी पूरी सिटी खतरे में है, मैं क्या करूँ? रुको अभी इन सब मैम से कहता हूँ यार, यहाँ से भाग जाओ अपने घर जाओ। अरे मैम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ अपने घर घर भाग जाओ सारे के सारे। अरे लेकिन क्या हुआ है? अरे अभी मुझे पता चला है कि हमारी सिटी में अटैक कर दिया है साइरन हेड और गॉडज़िला ने, वो दोनों एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर है, वो इस पूरी दुनिया को खा जाएंगे। अबे क्या बकवास कर रहा है, ये कोई मॉन्स्टर वोस्टर असली में नहीं होते, चल निकल यहाँ से। गजब बेइज्जती। अच्छा ठीक है ठीक है, आप मन मानो लेकिन होते हैं ये सब। ठीक है अभी आ रहे हो, देखना अभी आप लोग गए। हाँ तो चलो गाइस यार, अभी अपन उधर चलते हैं यार, मेरी बात पे तो कोई यकीन नहीं कर रहा, उधर मैम खड़ी है ना उनसे कहेंगे। अरे अरे बूढ़े दादाजी और मैम सुनो, मॉन्स्टर आ चुका है हमारी सिटी पर, अटैक कर दिया है, जल्दी घर भाग जाओ नहीं तो आपको पापा की परी समझ के खा जाएगा। गजब बेइज्जती। अबे जा यहाँ से, मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। अरे नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा था, उसमें अभी हमारी सिटी में मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया दो दो बड़े बड़े, उन्होंने अभी मुझे फोन करके बताया है। क्या उसने तुझे फोन करके बताया था? चल मुझे उसके नंबर दे, मुझे भी साइरन हेड और गॉडज़िला से बात करनी है। अरे वो इंसान है क्या जो तुम उससे बात करोगे? यार वो एक मॉन्स्टर है, उससे कैसे बात करोगे, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे यार भागो यार यहाँ से, ये तो मुझे भी पागल कर देगी। तो चलो गाइस यार अभी मैं क्या करूँ, तो चलो फिर यार अभी मेरे पास एक आइडिया आया है, तो चलो फिर यार अभी अपन पुलिस स्टेशन में चलते हैं, पुलिस वालों से कहेंगे कि हमारी सिटी में अटैक कर दिया है दो बड़े बड़े मॉन्स्टर ने, फिर वो अपन की बात सुन लेंगे। तो यार मुझे तो नहीं लगता यार वो मेरी बातों पे यकीन करेंगे भी नहीं, वैसे आप लोग देख सकते हो ये रहा पुलिस स्टेशन।
स्टेशन। अच्छा, अरे सिक्का नहीं रहा हूँ यार, बता रहा हूँ। और ये देखो पुलिस स्टेशन मेरे सामने, तो चलो फिर यार अभी अपन जल्दी से चलते हैं पुलिस वाले के पास। चलो भाई। तो ये देखो यार दो पुलिस वाले तो बाहर खड़े हैं यार, इनको बताऊँ क्या मैं वो बात? नहीं यार, अंदर वाले पुलिस वालों को बताता हूँ। तो यार ये देखो कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे और पुलिस वाले तीन है यहाँ पे बैठे हुए। रुको इनको बताता हूँ। अरे पुलिस वाले सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप जो भी बात बोलनी है ना वो एक घंटे बाद कहना, चुपचाप जाके चेयर पे जाके बैठ जाओ उनकी तरह। अरे पुलिस वाले सर, वो बहुत ही जरूरी बात है, आपको नहीं बताई ना तो हम सब मारे जाएंगे। अच्छा, अब तुझे समझ में नहीं आता क्या? अभी हम बहुत ही जरूरी काम में बिजी है, चुपचाप ऊपर जाके बैठ जा। हाँ तो गाइस यार ये पुलिस वाले तो उससे यूँ कह रहे कि यार अभी एक घंटे बाद आना, तो फिर चलो गाइस अभी अपन ऊपर चलते हैं सीढ़ी चढ़ के। चलो यार अपन ऊपर चल के देखते हैं यार ऊपर क्या है। तो चलो अभी पहुंच चुका हूँ, देख सकते हो यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। One hour later. तो चलो गाइस यार अभी आप लोग देख सकते हो यार एक घंटा तो हो चुका है, तो चलो अपन जल्दी से नीचे चलते हैं यार पुलिस वालों के पास। मॉन्स्टर अभी तक क्या कर रहे होंगे? और ये देखो यार मैंने कितनी सारी गन ले ली यार, 5 गन लिए मैंने और एक ब्लास्टर भी है। तो चलो अभी अपन जल्दी से पुलिस वाले भैया के पास चलते हैं यार, उनसे कहेंगे कि मॉन्स्टर ने हमारी सिटी पर अटैक कर दिया, जल्दी से चलते हैं यार, मुझे पता नहीं है क्या कर रहे होगे अभी तक मॉन्स्टर। तो पहुंच चुका हूं मैं नीचे। अरे अरे पुलिस वाले भैया मेरी जल्दी से बात सुनो, एक घंटा हो चुका है। हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? बोल बता जल्दी से, बोल ना क्या कर रहा है। अरे पुलिस वाले अंकल, आज जैसे ही मैं सपने में से उठा ना तो मैंने सपने में देखा कि दो मॉन्स्टर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो फिर मैं अपने घर से बाहर निकला और फिर मैंने वहाँ पे भी लोगों से पूछा तो लोगों ने मना कर दिया कि मॉन्स्टर नहीं आया है। लेकिन फिर अचानक से मेरे पास आया मॉन्स्टर का फोन और वो था साइरन हेड। तो साइरन हेड ने मुझसे कहा कि हम तेरी पूरी सिटी के सभी इंसानों को मार देंगे, तू भी नहीं बचेगा। और फिर ये बात सुनकर मैं जल्दी से आप लोगों के पास आ गया आपको बताने, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं। क्यों? साइरन हेड और गॉडज़िला ने हमारी सिटी पे अटैक कर दिया है, वो दोनों तो इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े दो मॉन्स्टर है, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो पुलिस वाले अंकल, आप ही बस हमें बचा सकते हैं, प्लीज कुछ ना कुछ तो करो। वो बहुत बड़े मॉन्स्टर है तो क्या हुआ, हमारे पास उनको मारने की भी तरीका है एक। क्या पुलिस वाले अंकल आपके पास साइरन हेड और गॉडज़िला को मारने की आइडिया है? तो जल्दी मुझे बताओ क्या करना होगा। हाँ हाँ, बस तू ही एक इंसान है जो उनको मार सकता है, क्योंकि तूने उनको सपने में देखा था, इसलिए रुक जा। अभी वो जो गेट के पास एक पुलिस वाला खड़ा है ना, तू उसके पास जाओ, तुझे तेरे मोबाइल में एक फोटो भेजे, वो जैसा जैसा करने को बोलेगा तुझे वैसा का वैसा करना, और फिर वो दोनों मर जाएंगे। ठीक है चल जल्दी। तो चलो अभी अपन ये गेट वाली पुलिस के पास चलते हैं, ये हमें बता कि कैसे मारना है उनको। अच्छा तो मुझे बताओ कि मुझे साइरन हेड और गॉडज़िला को कैसे मारना है? मैंने तेरे मोबाइल में एक वीडियो भेजी है, तुझे उस वीडियो को देख कर जैसे जैसे उसमें एक बटन है ना, तुझे उस घर में जाकर बटन को दबाना है, और तुम जैसे इस बटन को दबाओगे तुम पहुँच जाओगे गॉडज़िला और साइरन हेड के पास, और उसको मारना है तुम्हें गन से। अच्छा। और फिर गॉडज़िला को तुम जैसे ही मार दोगे तुम उससे जीत जाओगे। तो चलो फिर यार अभी अपन अपने ओल्ड वाले घर पे जल्दी से चलते हैं। तो आ चुका हूँ अभी मैं अपने ओल्ड वाले घर पे, तो इसी वाले घर पे होने वाले हमारे ऊपर की तरफ होने वाला बटन रेड कलर का। तो पहुंच चुका हूँ मैं अपने घर के अंदर और देख सकते हो यहाँ पे नीचे का पोर्शन मेरे घर का ऐसा दिखता है, बेड यहाँ पे रखा हुआ है, और यार यहाँ पे तो वाली पेंटिंग नहीं है। तो चलो फिर यार अभी हम ऊपर चलते हैं यार वाली पेंटिंग के पीछे बटन। अरे तू जा रही? तो आ चुका हूँ मैं अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रही हमारी पेंटिंग, और इसके पीछे लगा हुआ है रेड कलर का बटन। तो इसी बटन को मुझे दबाना है और मैं पहुँच जाऊंगा गॉडज़िला के सामने, फिर मैं उसको मारूंगा। लेकिन बटन है कार को भी इस पेंटिंग के पीछे देखता हूँ, तो गाइस यहाँ पे रेड कलर का बटन तो है ही नहीं। तो यार यहाँ पे बटन तो है ही नहीं यार, अब मैं बटन को कैसे दबाऊंगा? बटन नहीं दबाऊंगा तो गॉडज़िला के पास कैसे जाऊंगा और उसको मारूंगा कैसे? वीडियो में तो यार यहीं पे ही था बटन, लेकिन है ही नहीं यार, टॉयलेट में जाके देखता हूँ, टॉयलेट में भी नहीं है। लेकिन यार मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि बटन गया कहाँ, यार कोई मुझे बताओ। तो बटन यार है ही नहीं यार, मैंने सभी जगह देख लिया ऊपर तो। तो चलो यार अभी अपन नीचे चलते यार, मुझे लगता है दोबारा पुलिस के पास जाना पड़ेगा। अबे ओ बालक कहाँ जा रहा है? बटन वहाँ पर ही है पेंटिंग के पीछे, वो तो बस तुझे नहीं दिख रहा है। तुझे बटन तभी दिखेगा तब तू मेरा एक काम करेगा।
क्या मुझे एक काम करने से बटन मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ मिल जाएगा। तो जल्दी बताओ मुझे क्या काम करना होगा। अरे बालक तुझे दो मिशन को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले तुझे 15 लोगों को मारना पड़ेगा, फिर तुझे उसके बाद बुगाटी चुरोन और वैगनार को ढूंढना पड़ेगा, तो फिर इसके बाद तुझे मिल जाएगा वो वाला बटन, फिर उसको दबा देना तू। और हाँ तुझे 15 लोगों को फॉर्चूनर के अंदर बैठ के मारना है, ठीक है समझा? अच्छा। लेकिन मेरे पास फॉर्चूनर नहीं है। अब एक बार पीछे देख, फॉर्चूनर पीछे खड़ी है, तू उस फॉर्चूनर से जा मारने निकल। अरे ये तो पोर्श कार है। हाँ चल, मैंने तुझे फॉर्चूनर नहीं दी तो ना तुझे पोर्श कार दे दी। चल जाओ इससे 15 ज़ॉम्बी को मार गया। तो अभी मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, यहाँ पे मुझे 15 लोग को मारना है। तो पहले को तो मैंने बुड्ढे को तो मैंने उड़ा दिया है, तो अब मुझे शायद से लगता है यही बुड्ढा है सामने, तो इसको भी मैंने उड़ा दिया है। 2 हो चुके हैं और ये 3 को, तो 15 लोगों को मुझे मारना है। 3 लोगों तो मैंने मार दिया और ये 4 को मैंने फिर उड़ा दिया। यार ये तो मेरी कार में फंस गया, और ये 5 बुड्ढे को मैंने उड़ा दिया। ये तो मेरी कार में फंस गया, और ये देखो यार ये आंटी को मैंने उड़ा दिया, ये लड़की को मैंने उड़ा दिया, तो 7 हो चुके हैं। और ये फिर आंटी को मैंने उड़ा दिया है, 8 हो चुके हैं। और ये क्या हुआ, मैं भी उड़ चुका हूँ यार, ये देखो 9 हो चुके हैं। अरे अरे नहीं यार, ये मैं कैसे गिर गया। और ये देखो मेरी कार भी टूट चुकी है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी अपन इसमें बैठते जल्दी से। तो 8 लोगों को तो मैंने मार दिया, तो ये देखो इनको कितना अच्छा कुचला यार, वो तो उड़ चुकी है आसमान में। तो अभी इनको अंकल को मैंने मार दिया है, तो 9 हो चुके, और ये 11 जब बेइज्जती है। तो 11 बंदों को तो मैंने मार दिया है, तो ये देखो 12 हो चुके। अब तो मुझे 3 और को मारना है, फिर मेरा ये वाला मिशन हो जाएगा कम्प्लीट। तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है। यार मेरा मिशन तो कंप्लीट हो गया यार, अब अपन चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट मिशन। मिलेगी बुगाटी चिरोन। तो मैंने तुम्हारे फोन में एक फोटो भेजा है, उसमें तुम्हें दिख रहा होगा बुगाटी चिरोन कहाँ पे, तुम्हें बस वो बुगाटी चिरोन ढूंढनी है। और ये जो तुम्हें फोटो में डब्बा और कार दिख रही है ना, ये तुझे मिलेगी बिल्डिंग के ऊपर जाके, जा जल्दी जाओ। तो चलो गाइस यार अभी अपन चलते हैं बुगाटी चिरोन को ढूंढने। हाँ तो गाइस फोटो में जैसा दिखाया था मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो गाइस इस वाले रैंप के ऊपर मुझे जाना है अपनी महिंद्रा थार को लेकर, तो मुझे तो लगता है इससे ही मैं पहुंचूंगा बिल्डिंग के ऊपर। तो चलो गाइस इस वाले रैंप पे अपन चलते हैं, यहाँ पे मैंने कुदा दिए, तो यहाँ पे मैं पहुंचता हूँ या नहीं। तो गाइस इस वाले रैंप को तो मैंने पार कर लिया, यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ। तो चलो अब अपन इधर से चलते हैं, यहाँ पे हम इसको पार करना है बस। तो चलो अभी अपन अपनी थार को जल्दी थोड़ा तेज भगा लेते हैं, यार मुझे डर लग रहा है मैं नीचे ना गिर जाऊँ बस। तो चलो गाइस अभी अपन आराम आराम से चलते हैं, नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा बस। यहाँ से मुड़ाना है भाई साहब, यार गिरते गिरते बचाऊं। तो चलो अभी अपन जल्दी से भगा देते हैं अपनी महिंद्रा थार को, तो बच गया। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बिल्डिंग के ऊपर। हाँ तो गाइस यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रही हमारी बुगाटी चिरोन ब्लैक कलर की, यहाँ पे रखी है। तो चलो अभी अपन इसमें बैठते हैं जल्दी से और इसको नीचे लेके चलते हैं, यार मुझे इसको चलाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो गाइस यार अब मैं क्या करूँ, यहाँ से बिल्डिंग पे से मुझे कुदाना होगा अपनी बुगाटी को। तो यहाँ से मैंने कुदा दी अपनी बुगाटी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। हाँ तो गाइस अब मेरी बुगाटी मुझे लगता है टूटने वाली है। हाँ तो गाइस देख सकते हो आप लोग बुगाटी चिरोन को कितनी अच्छी लग रही है, और इसको चलाने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। फाइनली यार मैंने इसको ढूंढ ली, तो चलो गाइस अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट कार को ढूंढने। यानी गाइस अब चलेंगे अपन वैगनार को ढूंढने, आप ही सभी की फेवरेट वैगनार है यार वो। तो अब अगर आप लोगों को भी वैगनार पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी मैं आप लोगों को वैगनार चला के भी दिखाऊंगा। अच्छा तो चलो गाइस अभी मैं आ चुका हूं अपनी बुगाटी चिरोन से मैम के पास, तो मैम बताएगी कि मुझे वैगनार कहां पे मिलेगी। तो चलो मैम से पूछते हैं। अरे मैम जल्दी बताओ मुझे वैगनार कहाँ मिलेगी, देखो मैं बुगाटी चिरोन को तो ले आया। अच्छा तो तू तो दो कार तो ले आया, यानी बुगाटी चिरोन तो तू ले आया, जा अब तुझे वैगनार लेनी है। मैंने तेरे फोन में एक फोटो भेजा है, उसको देख पहले। रुको रुको अभी फोटो देखता हूँ कौन सा फोटो है, फोटो तो नहीं आया। अरे अरे आ गया। हाँ तो गाइस फोटो में आप लोग देख सकते हो वैगनार है हमारे एयरपोर्ट के, यानी यहाँ पे जो एरोप्लेन खड़ा है ना उसके आगे। तो गाइस जिससे हमें समझ में आता है कि वैगनार को लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा एयरपोर्ट, वहाँ पे जाके हमें मिले की वैगनार। हाँ तो मैं कुछ नहीं जानता यार, अब मुझे वैगनार को लेना ही है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा एयरपोर्ट के अंदर। तो चलो गाइस अभी अपन अपनी बुगाटी से चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूं अपनी बुगाटी चिरोन को लेकर यहाँ पे एयरपोर्ट पे, लेकिन यहाँ पे वैगनार तो नहीं दिख रही यार। रुको भी वहाँ पे चल के देखता हूँ। हाँ तो गाइस यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार वैगनार ये रही एरोप्लेन के ऊपर रख रखी है यार, किस पागल ने रखी है।
तो ये मारी मैंने जंप और ये देखो मैं पहुंच गया। तो अभी मैं बिग वाले एरोप्लेन के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ पे हमारे साथ वैगनार। अच्छा तो अभी अपन अपनी वैगनार को लेके चलते हैं एरोप्लेन से नीचे यार कुदा के। यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ वैगनार के अंदर, तो चलो अभी अपन इसको जल्दी से यहाँ से कुदा दे। तो मैंने यहाँ पे कुदा दी और पहुंच चुका हूँ मैं वैगनार को लेके नीचे। यार मैंने फाइनली वैगनार को ले ली यार, इसकी अच्छी है वैगनार। तो ये देखो मैंने बटन दबा दिया और ये मैं कहाँ पे आ गया यार, ये देखो ये तो गॉडज़िला है। रुको अभी इसके पास चलते यार, इतने सारे मॉन्स्टर है यार इनके पीछे चलते, अभी अपन इनका पीछा करते इनको मारेंगे। तो अभी मैंने हायाबुसा उठा लिया, जल्दी बाघ के ले चलते, देख सकते हो वो जा रहे सारे के सारे हैं। लेकिन एक सेकंड यार, ये तो एक ही मॉन्स्टर है यार, और सारे मॉन्स्टर कहाँ पे गए वो देखो, और वो रहे पीछे यार, इसको तो जाने दो, अभी अपन उनके पीछे चलते हैं। तो ये देखो ये रहे गॉडज़िला मॉन्स्टर, ये जा रहे दो दो। रुको अभी इनको देखता हूँ पीछे मुड़ के, देखो यार ये कैसे चल पा रहे हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देखो यार ये तो मुझे लगता है मेरे पीछे आ रहे, जल्दी से अभी मुझे भागना पड़ेगा यार, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए, देख सकते हो आप लोग। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार मैं इनको मारू कैसे, और यार ये तो दो है, ये तो मुझे कच्चा दबा जाएंगे, तो अब मैं कैसे मारू। अबे एक सेकंड यार मैं तो भूल ही गया, मेरे पास तो मिसाइल है, एक दो तीन में इनको पावर चला दो। तो ये देखो एक मार गया और ये देखो दूसरा भी मैंने मार दिया है। रुको भी आप लोगों को मैं इन दोनों मॉन्स्टर के पास जाके दिखा देता हूँ। ये देखो यार इनका मुंह कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये देखो यार फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मेरे सामने आ चुका है मॉन्स्टर गॉडज़िला, कितना अच्छा लग रहा है देखो इसके हाथ। तो अब आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो लाइक तो कर ही दो ना।